ओके तो मुझे पता नहीं है भाई कि मेरे अभी कौन सी वीडियो की नोटिफिकेशन जाएगी, बिकॉज ये मैं डाल रहा हूँ, इसके बाद एक और डालूंगा, तो मैं दोनों वीडियो में बोलने वाला हूँ ये बात। एंड वो ये है कि रात के 10 बजे, यानी ये पता नहीं वीडियो कितनी बजे आएगी, 8, 9 या 10 पता नहीं, लेकिन 10 बजे रात को हम लोग ट्विटर के ऊपर करने वाले हैं डिबेट, टीम रॉक टीम कोडी टीम रोमन वाली भयंकर डिबेट। रॉयल रंबल को डिस्कस करेंगे, मस्त हाइप चेक है भाई, बहुत मजा आने वाला है। तो अगर अभी तक आपने रिमाइंडर सेट नहीं करा है तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में ट्विटर स्पेस की, ऑडियो चैट की, जाके ज्वाइन करो, वहाँ पर आप बात भी कर पाओगे मुझसे, आपको बस रिक्वेस्ट करना होगा एंड आई विल एक्सेप्ट, उसके बाद आप सीधा बात भी कर सकते हो, नहीं तो अगर आप बात करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप सुन भी सकते हो मस्त पॉडकास्ट के टाइम पे, पॉडकास्ट के टाइप पे। तो आप आराम से ज्वाइन कर लो, 10 बजे है रात की टाइमिंग, एंड जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक आपको मिल जाएगी टॉप पे डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बात को, हम लोग सबसे पहले रॉयल रंबल 2024 की बात करते हुए, ऑब्वियसली पूरी वीडियो के अंदर हम लोग उसकी बात करेंगे। तो रॉयल रंबल होने वाला है टैंपा फ्लोरिडा से, अब ऐसे में स्टेज वगैरह को लेकर हम लोग डिस्कशन पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जाके चेकआउट कर लो। अभी रॉयल रंबल के लिए कौन कौन से WWE सुपरस्टार्स लेजेंड्स टाउन के अंदर हैं, प्रेजेंट हैं, वो मैं आपको बता दूं। रिपोर्ट निकल के सामने आई है जहाँ पे कि बताया गया है कि कौन कौन से सुपरस्टार्स प्रेजेंट हैं इस वाले मैसिव इवेंट के लिए। अंडरटेकर का नाम यहाँ पे, अंडरटेकर प्रेजेंट है, लेकिन अंडरटेकर अपने किसी और शो के लिए प्रेजेंट है, वो रॉयल रंबल में अपीयर नहीं होंगे शायद। उसके बाद जो है ओमस का भी नेम है, ओमस आपको देखने को मिल सकते हैं, मोस्ट लाइकली रंबल मैच में एंटर कर सकते हैं बिकॉज ये जायंट हैं। देन जॉनी गर्गेनो भी होने वाले हैं सिटी में, वहाँ पे वो टाउन में प्रेजेंट हैं। जॉनी गर्गेनो की वाइफ कैंडस लेरे भी हैं, साथ में नेटालिया का भी नेम यहाँ पे, नेटालिया भी प्रेजेंट है। मैगजीन डूपरी है, आईवी नाइल है, द क्रीड्स हैं यानी क्रीड ब्रदर्स, जेडी मैकडोना, आर्थ्रूथ भी है। आर्थ्रूथ हो सकता है एक फनी रॉयल रंबल मोमेंट आपको देते हुए देखने को मिले, तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी इसकी। बियांका ब्लेयर भी है, मॉन्टेस फोर्ड भी है, देन चैट गेबल है, अकीरा टोजावा है, टाइटस ओनियल है। क्या टाइटस ओनियल कम्पीट करेंगे, मुझे चांसेस कम लगते हैं। देन है कोफी किंगस्टन, उसके बाद है जेवियर वुड्स, एंड एक बड़ी चीज़ नोट करने वाली ये है कि बिग ई भी हैं, बिग ई भी यहाँ पे टाउन में है टैंपा फ्लोरिडा में। क्या ये रॉयल रंबल मैच के अंदर एंटर करने वाले हैं, क्या वो उसके लिए होने वाले हैं, देखो कन्फर्म तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन एक स्लाइट चांस तो ज़रूर से, बिकॉज रॉयल रंबल के अंदर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही होती है। हालांकि बिग ई ने रिसेंटली में ये चीज़ बहुत अच्छे से रिवील करी है कि डॉक्टर ने उनको ये नहीं दिया है क्लियरेंस, डॉक्टर ने उनको क्लियर नहीं करा है इन रिंग में कम्पीट करने के लिए। तो अब ऐसे में इन रिंग कम्पीट करने के लिए उनको अगर नहीं मिली है क्लैरिफिकेशन डॉक्टर्स की तरफ से, तो क्या वो कम्पीट करेंगे, या फिर बिग ई झूठ बोल रहे थे, सिर्फ फैंस को ट्रोल कर रहे थे, वो पता चलेगा कल सुबह जब हम लोग रॉयल रंबल लाइव देखेंगे। तो बाय द वे ये सुपरस्टार्स टाउन में प्रेजेंट हैं, तो इनमें से बहुत सारे आपको मेंस एंड वुमेन्स रंबल में एंटर करते हुए देखने को मिलेंगे। लेट्स सी क्या अंडरटेकर बिग ई ये लोग सरप्राइज देते हुए हमें देखने को मिलते हैं या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी है हल्क हॉगन को लेके। तो भाई क्या हल्क हॉगन कंफर्म है कि वो एंटर होने वाले हैं मेंस रंबल्स मैच में, क्या ये ऑलमोस्ट कंफर्म है? मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं इसका आंसर दूं तो यस, इसका आंसर यस है। क्यों है? क्योंकि मल्टीपल टीजेस आए हैं स्पेशली हल्क हॉगन की तरफ से, एंड WWE ने भी रिसेंटली में कुछ जो वीडियो पैकेज प्ले करे हैं स्मैकडाउन वगैरह के दौरान रॉयल रंबल के, वहाँ पे हल्क हॉगन ही थे। आखिर क्यों, इसके पीछे का क्या रीज़न है? हो सकता है कि हल्क हॉगन आपको अपीयर होते हुए देखने को मिले। अब देखो ये तो चीज़ें हैं ही, साथ में हल्क हॉगन ने कुछ टीज भी करा। अभी हल्क हॉगन जो है रिसेंटली में कहीं पे अपीयर हुए थे, पता नहीं ये रेस्टोरेंट है या फिर क्या है, लेकिन हल्क हॉगन ने इस वीडियो के अंदर, मैं आपको वीडियो नहीं प्ले करके दिखा सकता, कहा है कि कोई रॉयल रंबल जा रहा है क्या, बिकॉज किसी ने मुझे कहा है कि शायद मैं नंबर 30 पे एंट्री ले सकता हूँ रंबल मैच में। कहा गया है हल्क हॉगन की तरफ से, इज एनीबडी गोइंग टू द रॉयल रंबल, समबडी टोल्ड मी आई माइट गेट नंबर 30। ये हल्क हॉगन ने चीज़ कही है। हल्क हॉगन कह रहे हैं कि आप में से कोई जो यहाँ पे प्रेजेंट है कोई जा रहा है क्या रॉयल रंबल में, क्योंकि मुझे अभी इन्फॉर्म करा गया है कि शायद मैं 30वें नंबर पर एंट्री कर सकता हूँ। एंड इससे पहले भी इन्होंने कुछ टीज़ करा था प्रोमो पैकेज के अंदर, तो वो मैंने आपको पहले भी बताया चैनल में, तो क्या पता भाई, देखो पॉसिबिलिटी है इसकी, एंड पॉसिबिलिटी बढ़ इसलिए भी जाती है बिकॉज रोमन रेंस नेक्स्ट इनके रिकॉर्ड की तरफ ही बढ़ रहे हैं, इनके रिकॉर्ड को ही तोड़ने के लिए। तो शायद हो सकता है कि हल्क हॉगन ट्राई करेंगे कि वो जो है रोमन रेंस को फेस करें एंड अपने रिकॉर्ड को तोड़ने से बचा पाए। तो हल्क हॉगन स्टोरी बेसिस पे आ सकते हैं रंबल मैच में, एंड वो कोशिश कर सकते हैं मैच को जीतने की, ताकि वो रोमन को रेसल करें रेसलमेनिया में एंड रोमन को हरा दे टाइटल के लिए, एंड जिससे वो अपना रिकॉर्ड भी बचा लें। हालांकि ये सिर्फ एक फनी स्टोरी है जो कि WWE प्ले कर सकती है, ऐसा बिल्कुल रियलिटी में होने नहीं वाला। हल्क हॉगन इस मोटिव से आएंगे जरूर से, अगर आना होगा तो, ये कुछ माना जा रहा है। तो क्या नंबर 30 पे आप लोग हल्क हॉगन को देखना चाहोगे? मुझे इंडिया का नहीं पता, लेकिन बाहर में उनको इतना हेट किया जाता है, इतना हेट किया जाता है, लोग उनको रेसिस्ट बुढ़ा कहते हैं बाहर में, मजाक नहीं भाई, सीरियसली, और बहुत भयंकर वाले रेसिस्ट हैं ऐसे क्लेम्स इनके ऊपर। तो ऐसे में लोग वहां पे तो बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे इनको नंबर 30 पे, लेकिन हल्क हॉगन टीज करते हैं कि वो नंबर 30 पे अपीयर हो सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है एजे ली को लेके। तो क्या हमें एजे ली का WWE रिटर्न रोयल रंबल में देखने को मिलेगा? अब ऑब्वियसली भाई रोयल रंबल रिटर्न के लिए ही जाना जाता है, तो इस वीडियो में टोटल बातें वही है। पहले हमने जाना कि कौन कौन से सुपरस्टार टाउन में प्रेजेंट है, देन हमने हल्क हॉगन की बात करी, अभी हम लोग एजे ली की बात कर रहे हैं, एंड आगे भी जो दो बातें होंगी वो भी रिटर्न को ही लेके होगी। तो एजे ली की मैं क्या बात कर रहा हूँ भाई, तो एजे ली क्या अपीयर हो सकती है? मैंने आपको बताया पिछले वीडियो के अंदर ही कि साशा बैंक्स ने टीज करा है अपना और एजे ली दोनों का रिटर्न, बिकॉज उन्होंने ग्राफिक शेयर करी थी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे। एंड इस टाइम पे वो कुछ भी अगर शेयर करेंगी भाई तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आउट करने वाली चीज़ है। एंड उस ग्राफिक के अंदर एजे ली साशा बैंक्स दोनों ही थी, तो क्या दोनों का रिटर्न हो सकता है? दोनों का बोलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है बिकॉज दो मेजर रिटर्न्स हैं। क्या WWE दोनों को करा देगी? देखो रॉयल रंबल के अंदर हो भी सकता है क्योंकि चांसेस है रंबल मैच के अंदर, लेकिन सिर्फ अभी हम लोग एजे ली की बात करेंगे। साशा बैंक्स की बहुत हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी चैनल के ऊपर, एजे ली की क्या बातें कर रहे हैं भाई? तो एजे ली का स्टेटस क्या, मैं आपको बता दूं कि एजे ली को अगर इन रिंग कम्पीट करना है इन रिंग एक्शन में तो वो प्रिपेयर्ड हैं उस चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि एजे ली के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी कि नहीं भाई मैं कम्पीट नहीं कर सकती रिंग रस ये वो, नहीं, एजे ली प्रिपेयर्ड है कम्पीट करने को ये माना जा रहा है। तो एजे ली को अगर WWE चाहे एक्चुअली में तो वेमेंस रंबल मैच में ला सकती है, स्पेशली CM Punk के WWE रिटर्न के बाद इसके चांसेस और बढ़ जा रहे हैं कि एजे ली भी वापस आएगी। इवन CM Punk ने अपने रिटर्न के बाद प्रोमो के अंदर एजे ली को भी टीज करा था, एंड एजे ली ने भी एक बीच टीज करा था अपने WWE के बूट्स वगैरह पोस्ट करके इंस्टाग्राम स्टोरी पे। तो क्या पता भाई, ये देखो पॉसिबल है क्योंकि एजे ली ट्रेनिंग भी कर रही थी अभी से कुछ टाइम पहले। एंड एजे ली के अगर स्टेटस की बात करें घुमा फिरा के बिल्कुल टोटल, तो अभी जो एजे ली का स्टेटस थोड़ा 70-30 है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जो 70-30 है वो 70% चांसेस है कि वो नहीं आएंगी, 30% चांसेस है कि वो आएंगी। तो थोड़ा सा नेगेटिव जो फैक्टर है वो ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन हाँ वो कम्पीट करने को तैयार हैं। अब डिपेंड करता है WWE पे कि क्या WWE उनको मना पाई है रॉयल रंबल के लिए, एंड क्या वो CM Punk के बाद नेक्स्ट होने वाली है मैसिव नेम, एंड वो भी वेमेंस डिवीजन से WWE के अंदर आने वाली। क्या लगता है आपको, क्या आप लोग चाहते हो एजे ली को देखना? कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि है स्टेफनी मैकमैन को लेकर, एंड अभी की आखिरी स्टोरी है, इसके बाद एक और वीडियो आएगी चैनल पर, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो अगर इस वीडियो की नोटिफिकेशन गई है तो भाई अगले वीडियो की नहीं जाएगी, इतना तो मैं श्योर हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हो तो अभी से 2 घंटे बाद जाके चेकआउट कर लेना, चैनल पर एक और वीडियो आ चुकी होगी। लगभग मैं 9:30 के करीब 9 बजे के करीब एक और वीडियो डालूंगा, एंड वो आखिरी वीडियो होगी लास्ट मिनट अपडेट रॉयल रंबल की। स्टेफनी मैन की बात कर रहा था मैं, ये कंप्लीट कर लेता हूं, इसके बाद भी एक बहुत मैसिव अपडेट वाली वीडियो आएगी। तो यहां पे स्टेफनी मैकमैन की बात करते हैं, हाइप भयंकर है भाई, साशा बैंक्स भी आई होप आ जाए। स्टेफनी मैकमैन WWE के अंदर वापस आ सकती हैं, क्यों? क्योंकि विंस मैकमैन WWE से जा चुके हैं, ये PW इनसाइडर की रिपोर्ट है, यहां पे बताया गया है, देयर आर सम इन WWE होपिंग दैट दिस विंस मैकमैन रिजाइनेशन ओपन्स द डोर फॉर स्टेफनी मैकमैन टू रिटर्न। कहा जा रहा है कि जो विंस मैकमैन ने रिजाइन करा WWE से, इस्तीफा दिया, तो इसके बाद अब कुछ WWE के अंदर ऐसे स्टाफ हैं जिनको बिलीव है कि स्टेफनी मैकमैन अब WWE के अंदर वापस आ सकती हैं। अब देखो भाई, ये तो बिल्कुल प्रूवन है कि स्टेफनी मैकमैन WWE छोड़ के गई थी विंस मैकमैन की वजह से, जब वो वापस आ गए थे फिर से कंट्रोल के अंदर, तो ये चीज़ उनको पसंद नहीं आई थी, एंड अभी विंस वापस से जा चुके हैं, तो हो सकता है कि स्टेफनी वापस आए, एंड मे बी ये भी हो सकता है कि इवन सेन मैकमैन भी वापस आ जाए, उसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन सेन मैकमैन को लेकर अपडेट नहीं है, तो मैं अपने मन से कुछ भी आपको नहीं बताना चाहूंगा ताकि आप होप लगा के बैठ जाओ, लेकिन हाँ स्टेफनी मैकमैन जरूर से आ सकती है वापस, ये कुछ कहना है PW इनसाइडर का। अब PW इनसाइडर कितना ट्रस्टेड है ये सब हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। तो क्या आप लोग स्टेफनी मैकमैन को WWE वापस देखना चाहोगे? अब वो इन रिंग एक्शन के लिए फोर्स नहीं आ रही है, बैकस्टेज अथॉरिटी फिगर के लिए आ रही है, HH की तरह वो होंगी, मतलब TV पे आपको कम देखने को मिलेंगी, लेकिन बैकस्टेज इन्फ्लुएंस उनका अच्छा खासा है। अब अभी के हिसाब से आपके क्या थॉट्स है कि आप लोग स्टेफनी सेन इन लोगों को वापस देखना चाहोगे कंपनी के अंदर? कमेंट करके बताना। बाय द वे इस वीडियो के लिए यही अपडेट से, आई रिमाइंड यू कि एक और वीडियो आएगी अभी इसके बाद, वो मस्ट है देखना जरूर, वो लास्ट मिनट अपडेट से, उसमें फाइनल बेटिंग ऑड्स एंड और भी बड़ी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसकी नोटिफिकेशन गई है तो भाई बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो भी है चैनल पर एक्टिव रहो। कल मिलेंगे हम लोग ऐसे ही चैनल पर भयंकर हाइप के साथ, अभी एक और वीडियो आएगी उसके लिए प्रिपेयर रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। क्या एक्साइटमेंट है रोल रंबल के लिए कमेंट करके बताएं, मिलते हैं अगली वीडियो में।